See through the Nadio people, my name is T. आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की कॉपीड मूवीज के बारे में. आइयो टी, ऋतिक की नई फिल्म काबिल का ट्रेलर आया जी. रुक मोनू, आज मैं इसकी भी पोल खोलूंगा. तो तुम्हें पार्टनर फिल्म तो याद ही होगी और ये फिल्म कॉपी की गई है विलियम स्मिथ की फिल्म हिट से. यहाँ तक कि इस फिल्म के कई सीन भी पूरे ही कॉपी हैं. और अब बात करते हैं दूसरी फिल्म गॉड टू सी ग्रेट हो. ये फिल्म कॉपी की गई है ब्रूस ऑलमाइटी से. इस फिल्म की स्टोरी पूरी सेम है. यहाँ तक कि उन्होंने मॉर्गन फ्रीमैन के जुड़वा अमिताभ बच्चन को ही कास्ट किया है फिल्म में. एक बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्गन फ्रीमैन अमिताभ बच्चन का डार्क साइड है. वैसे भी दोनों एक ही माँ के बेटे ही लगते हैं. तो बात करते हैं अक्षय कुमार की. तो जैसे कि तुम्हें पता ही होगा ब्रदर्स वॉरियर्स की कॉपी है, वो भी घटिया वाली. और शायद तुम्हें ये नहीं पता होगा कि आवारा पागल दीवाने भी कॉपी है होल नाइन यार्ड्स की. और अक्षय कुमार की फेमस मूवी हे बेबी कॉपी है 1990 की मलयालम मूवी टू वर्ल्ड्स अ फर्स्ट हम पता नहीं क्या ये, जो कॉपी है 1987 की अमेरिकन फिल्म थ्री मैन एंड अ बेबी की, जो खुद कॉपी है 1985 की फ्रेंच मूवी थ्री मैन एंड अ क्रेडल की, जो फिर कॉपी की गई तेलुगु में जिसका नाम था चिन्नारी मुडाला पापा, और फिर तमिल में एज अस्थाल. Seriously, ये क्या कॉपी का इंसेप्शन चल रहा है क्या यहाँ पर? ओह आई मीन कॉपीसेप्शन. और अब बात करते हैं मेरे फेवरेट एक्टर आमिर खान की. तो आमिर की 2008 की मूवी गजनी, जो रीमेक थी 2005 की तमिल गजनी की, जो असल में कॉपी की गई थी क्रिस्टोफर नोलन की मोमेंटो से, फिर से कॉपीसेप्शन. और अब बात करते हैं धूम 3 की, जिसकी स्टोरी पूरी कॉपी की गई थी क्रिस्टोफर नोलन की प्रेस्टीज से, जो कि मेरी फेवरेट मूवी में से एक है. यहां तक कि पूरी स्टोरी लाइन सेम थी, दो जुड़वा भाई है, एक जादू का खेल है, सब कुछ सेम था. सच में ऐसा लग रहा था जैसे प्रेस्टीज और फास्ट एंड फ्यूरियस को मिला के उन्हें रिसाइकल करके पूरी पिक्चर बना दी गई है. आई मीन लिटरली आमिर खान, प्लीज स्टॉप कॉपिंग क्रिस्टोफर नोलन. तो अब फाइनली बात करते हैं ऋतिक रोशन की. तो पहली बार जब मैंने कोई मिल गया देखी तो मुझे बहुत मजा आया, पर बाद में मुझे पता चला कि ये मूवी कॉपी की गई थी 1982 की अमेरिकन फिल्म ईटी यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से. यहाँ तक कि इस सीरीज की एक भी मूवी ओरिजिनल नहीं. क्रिश जो कॉपी की गई थी बेन एफ्लेक की पेचेक से, और क्रिश 3 वो तो पूरी ही कॉपी है एक्समैन बैटमैन और सुपरमैन की. सारे करेक्टर उसी से उठा रखे है, एक भी इनका करेक्टर अपना ओरिजिनल नहीं है सिवाय कचरे के डब्बे के. तो अब बात करते हैं काबिल की. तो बेसिकली इसमें एक बंदा है जो अंधा है, पर फिर भी वो सब कुछ देख सकता है, सबको मार सकता है, सबकी गांड फाड़ सकता है, बिल्कुल एक सुपर हीरो के जैसे कि डेयर डेविल. और ये बात मैं नहीं, खुद नेटफ्लिक्स वाले कह रहे हैं जिनके पास डेयर डेविल के कॉपीराइट्स हैं, और वो लोग इस मूवी के डायरेक्टर को सू करने वाले हैं. मुझे लगता है मुझे भी इस मूवी को सू कर देना चाहिए, तो हम दोनों मिलकर इसमें सू कर देते हैं. आईओटी पर मूवी कॉपी करने में क्या बुराई है जी? रुक मोनू मैं बताता हूँ. मैं जब धूम 3 देखने गया मैंने करीब 300 रुपए खर्च किए धूम 3 पे, पर जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई मुझे समझ आ गया अरे ये तो प्रेस्टीज की पूरी कॉपी है. मेरे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए, मूवी तो मैंने कितने पहले ही देख ली थी कि मैं थिएटर में जाकर 300 रुपए खर्च करूं. इसे अच्छा मैं इंटरनेट से डाउनलोड करके उससे बेटर मूवी ना देख लूं. आई मीन लिटरली हम लोग मूवी देखने के लिए पैसा देते हैं और ये लोग हमें चूतिया बनाते हैं. इंडिया में इतने टैलेंटेड राइटर्स हैं फिर भी तुम्हें बाहर की स्क्रिप्ट ही चाहिए. तो चलो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो शायद मैं अब अगले साल ही डालूंगा. तो चलता हूँ, बाय.